सो हाय गाइस, अगर आप लोग अपने गेम के अंदर जाके चेकआउट करोगे, अभी आपको मैजिक क्यूब के अंदर कौन कौन से बंडल देखने को मिले हैं, तो आपको यहाँ पर बढ़िया बंडल्स देखने को नहीं मिलेंगे एक्सचेंज करने के लिए। और इसलिए आप लोग इंतजार कर रहे हो नेक्स्ट मैजिक क्यूब स्टोर के अंदर अपडेट आने का, ताकि कुछ बढ़िया बंडल्स को ऐड किया जाए, कुछ बढ़िया गन स्किन ऐड किया जाए मैजिक क्यूब स्टोर के अंदर, जिनको आप लोग एक्सचेंज कर सको मैजिक क्यूब से। तो इसलिए आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट मैजिक क्यूब स्टोर अपडेट के बारे में, कौन कौन से बंडल गन स्किन को ऐड किया जाएगा, उसका कन्फर्म डेट क्या है। इसके साथ इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कुछ और भी जबरदस्त एंड कमाल के अपडेट्स के बारे में, जैसे कि टू नाइट अपडेट क्या है आज के लिए, एंड हाँ बात कर लेंगे गोल्डन सेट बंडल बैक के बारे में, गोल्डन सेट बंडल को बैक दिया जाएगा। देन इसी वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं आने वाले अपने गेम के अंदर एक न्यू स्पेशल रिंग इवेंट के बारे में, जिसके अंदर आप सभी को बहुत सारे इमोट देखने को मिलने वाले हैं, और वो भी थोड़ा सा बढ़िया इमोट को बैक दिया जाएगा। वैसे हाँ अपडेट सिर्फ इतने में खत्म नहीं होते, बात कर लेंगे स्ट्रीट थॉग बंडल स्पेशल कुछ ओल्ड पैंट्स, या फिर तुम यूं कह लो स्ट्रीट थॉग बंडल के थीम पे कुछ पैंट डिजाइन किया है, उसका भी एक रिंग इवेंट के बारे में आपको आज हम जानकारी देने वाले हैं। तो बस आप लोग बस वीडियो को देखते रहिए, सारे अपडेट सबको वीडियो के अंदर देखने को मिले। हम शुरू करते हैं फिलहाल। तो सबसे पहले गाइस हम यहां पर फर्स्ट अपडेट कवर करने वाले हैं इमोट स्पेशल एक न्यू रिंग इवेंट। वैसे तो आपको बहुत टाइम से अपने गेम के अंदर इमोट पार्टी का इवेंट हो या फिर कुछ और अदर इवेंट्स आपको गेम के अंदर देखने को नहीं मिला हुआ है, और इसलिए आप लोग यहां पर रिव्यू देख पा रहे हो इमोट स्पेशल एक रिंग इवेंट का, जहां पर आपको चार इमोट देखने को मिले, साथ में टोकन वगैरह भी दिया गया है बहुत सारा। अब इनमें से चार इमोट में आप लोग जिस भी इमोट को चाहते हो उसको इजिली बाय कर सकते हो। वैसे तो आपको यहां पर जिस तरीके से इमोट वगैरह देखने को मिला है, मतलब टोकन से भी एक्सचेंज करो, स्पिन करके भी इमोट्स को बाय कर लो, और चार इमोट यहां पर दिया गया है, लेकिन बिल्कुल सेम टू सेम ये इमोट आपको नहीं मिलेंगे। और हाँ देखो, ये रिंग इवेंट नहीं होगा, आपको बेसिकली इमोट अपने गेम के अंदर दो तीन तरीके से देखने को मिल सकता है। पहला है स्पेशल लक रॉयल इवेंट, दूसरा है इमोट पार्टी का इवेंट, और तीसरा है अपना इमोट कैप्सूल इवेंट। इन तीनों में एक इवेंट के अंदर करने वाले आप लोग को ओल्ड इमोट्स बैक देने वाले है। तो यहाँ पर जो इमोट वगैरह हम आपको दिखा रहे हैं, हो सकता है बिल्कुल ये सेम टू सेम इमोट ना हो, क्योंकि इसमें एक इमोट को ऐड किया जाएगा, बिल्कुल 100% कन्फर्म है। अब अगर हो सकता है कि वो इमोट पार्टी हो, इमोट स्पेशल लक रॉयल हो, या फिर अपना एक इमोट कैप्सूल इवेंट हो, उसके अंदर कौन सा इमोट आएगा ये मेन मुद्दा नहीं है। मेन मुद्दा है कौन सा इमोट को बैक दिया जाएगा ओल्ड इमोट में, और वो होने वाला है अपना थ्रोन इमोट। असल में आप लोगों को थ्रोन इमोट नेक्स्ट इमोट स्पेशल गेम के अंदर जो भी इवेंट्स आएंगे उसके अंदर बैक देखने को मिलेंगे। थ्रोन इमोट के ऊपर बहुत सारा लीक्स मिला हुआ है कि ये बहुत जल्द आपको अपने गेम के अंदर बैक देखने को मिलने वाले। अगर कोई भी ऐसे प्लेयर हो जो कि थ्रोन इमोट के लिए इंतजार कर रहे हो, तो फिर आपको बता दूं थ्रोन इमोट आप सभी को अपने गेम में बैक देखने को मिलेंगे नेक्स्ट इमोट स्पेशल जो भी इवेंट्स आएंगे, चाहे वो स्पेशल लक रॉयल हो, इमोट पार्टी हो, या फिर इमोट कैप्सूल हो। बताना कौन कौन बाय करने वाले हो थ्रोन इमोट को। इसके साथ वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बात कर लेंगे आने वाले अपने गेम के अंदर गोल्डन सेट बंडल के बारे में। अब सिंपली आप लोग यहां पर रिव्यू देख पा रहे हो, वैसे तो आज से लेकर तकरीबन 11 महीने पहले अपने गेम के अंदर हमको गोल्डन सेट बंडल बैक देखने को मिले थे, और आपको याद होगा, मतलब आपको पता होगा ये बात कि गरना वाले अपने एक रियर आइटम्स को एक साल बाद दोबारा गेम के अंदर बैक देते हैं। ठीक आज से 11 महीने पहले हमको गेम के अंदर गोल्डन सेट बंडल देखने को मिला था, और ठीक एक महीने बाद जुलाई का महीना आएगा एंड गोल्डन सेट बंडल गेम के अंदर बैक आए हुए पूरा एक साल हो जाएगा। तो मैं कहना यह चाहता हूं कि एक साल बाद जबकि गरना वाले रियर आइटम्स को बैक देते हैं, तो भाई देखो जुलाई महीने पे वैसे ही आप सबको अपने गेम के अंदर एनिवर्सरी का इवेंट देखने को मिलेंगे, इसलिए चांसेस काफी ज्यादा हाई है कि आप लोग को जुलाई महीने पे गोल्डन सेट बंडल गेम के अंदर बैक देखने को मिले, फिर पूरा एकदम जो है एक साल बाद। अब अगर कोई भी भाई लोग गोल्डन सेट बंडल को बाई करने के लिए इंतजार कर रहे हो कि यार आपको भी बाई करना है, तो आपको ये जुलाई महीने के बिल्कुल एंड तक या फिर अगस्त महीने पे गेम के अंदर बैक देखने को मिलेंगे। एक ऐसा रिंग इवेंट तैयार किया जाएगा जहां पर आपको ओल्ड इनक्यूबेटर के बंडल्स देखने को मिलेंगे, मतलब 3 से 4 ओल्ड इनक्यूबेटर के बंडल्स आपको देखने को मिलेंगे, जहां पर गोल्डन सेट बंडल भी रहेगा एंड हाँ ओल्ड इनक्यूबेटर का जो गन स्किन है वो भी आपको बैक देखने को मिलने वाले, शायद 2 से 3 गन स्किन एक साथ में एक ही रिंग इवेंट के अंदर। सो आप लोग को इनक्यूबेटर स्पेशल जो बंडल हो या फिर चाहे गन स्किन हो, दोनों ही आपको बैक मिलेंगे एनिवर्सरी के थीम पे। मतलब रिंग इवेंट 2 आएगा, एक पर आपको बहुत सारे बंडल्स मिलाकर दिया जाएगा और एक पर आपको बहुत सारे गन स्किन मिलाकर दिया जाएगा, लेकिन हाँ सब कुछ अपना इनक्यूबेटर का ही होने वाले और सब कुछ पुराने बंडल्स होंगे और पुराने गन स्किन होंगे। सो अगर कोई भी ओल्ड इनक्यूबेटर के बंडल्स को या फिर गन स्किन को बाय करने के लिए वेट कर रहे हो, आपको जुलाई महीने के बिल्कुल एंड तक ये इवेंट देखने को मिलेंगे। फिलहाल चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, बात करते हैं स्ट्रीट थॉग बंडल के बारे में। देखो जो स्ट्रीट थॉग बंडल है, ये कुछ टाइम पहले लीक्स के अनुसार बताया जा रहा था अपने गेम के अंदर में बैक देखने को मिलेंगे, लेकिन इसको बैक नहीं दिया गया है। उसके थीम पे एक स्पेशल लक रॉयल इवेंट का मेरे पास रिव्यू आ गया है, जो कि एक रिंग इवेंट के रूप में ही है। आप लोग सिंपल यहां पर देख पा रहे हो स्ट्रीट थॉग बंडल स्पेशल जो पैंट है व्हाइट कलर का, जिसको आप लोग व्हाइट एडिशन के नाम से भी जान सकते हो, तो उन पैंट्स को यहां पर दिया गया है। सिंपल आप लोग यहां पर रिव्यू वगैरह देख पा रहे हो, टोकन्स भी आपको बहुत सारे यहां पर देखने को मिला है, और साथ में आप लोग को स्ट्रीट थॉग बंडल का जो पैंट है वो भी आपको यहां पर देखने को मिला हुआ है व्हाइट कलर का बेसिकली। तो ये जितने सारे आइटम्स वगैरह आप लोग यहां पर देख रहे हो, ये सारे के सारे आइटम्स आपको रिंग इवेंट के अंदर देखने को मिलेंगे अपकमिंग टाइम पे, मतलब जब स्ट्रीट थॉग बंडल को गरना वाले बैक देंगे आपको ये आइटम्स भी देखने को मिलेंगे। पहला बात आपको मैं ये क्लियर कर दूं कि गरना वाले आप लोग को स्ट्रीट थॉग बंडल के थीम पे ये पैंट्स को अकेला बैक नहीं देंगे, आपको स्ट्रीट थॉग बंडल भी देखने को मिलेंगे और साथ में उसका पैंट्स भी आपको बैक देखने को मिलेंगे, मतलब दोनों को साथ में दिया जाएगा। तो रिंग इवेंट का रिव्यू हमने यहां पर आपको करा दिया है। अगर गाइस आप लोग अपने स्ट्रीट थॉग बंडल को बाय करना चाहते हो, तो भाई तकरीबन
में आप लोगों को 1500 से लेकर 2000 डायमंड खर्च करने पड़ेगा, पैंट्स को बाई करने के लिए 600 से लेकर 800 डायमंड खर्च करने पड़ेगा। तो खैर इसके साथ में चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, बात करते हैं टू नाइट आउट के बारे में, कल क्या कुछ न्यू इवेंट आपको देखने को मिलेंगे अपने गेम। सबसे पहले कई सबको देखने को मिलने वाले हैं अपना आने वाला एक न्यू रिंग इवेंट, जिसका ऑफिशियली आप लोग यहाँ पर रिव्यू देख पा रहे हो कौन कौन से आइटम्स को इस रिंग इवेंट के अंदर दिए जाएंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पर एक ग्लू वाली स्किन देखने को मिलेंगे और साथ में आप लोग को दो बंडल्स देखने को मिलेंगे, मेल बंडल एंड फीमेल बंडल। वैसे आपको यहाँ पर रिंग इवेंट का ही टोकन वगैरह दिया गया है, अगर करना ऐसा ही करता है कि आप लोगों को इस बंडल के साथ जो तीनों आइटम्स यहाँ पर दिया गया है ना, ग्लू वाली स्किन और दो बंडल और साथ में जो रिंग इवेंट का ही टोकन दिया गया है, तो अगर आपको बिल्कुल सेम टू सेम यही वाला टोकन देखने को मिलते हैं, फिर अगर पहले से आपके पास ये टोकन होगा फिर आप लोग इन बंडल और आइटम्स वगैरह को एक्सचेंज कर पाओगे और ये आपके लिए बहुत ज्यादा बेहतर होने वाले हैं, क्योंकि बहुत से भाई लोग ऐसे होंगे जिनके पास पहले से रिंग इवेंट का टोकन पड़ा हुआ है एंड इस बार वो इस टोकन को काम में लगाकर बंडल्स को या फिर जो है ग्लू वाली स्किन को बाय कर सकते हो। बाकी गाइस आप लोग बताना कि आप लोग को ये बंडल और ग्लू वाली स्किन देखने में कैसा क्या कुछ लगा है, तो भाई कल आपको ये इवेंट अपने गेम के अंदर नजर आ जाएगा। अगर किसी को इसके अंदर स्पिन वगैरह करना है तो आप लोग स्पिन वगैरह करके देख सकते हो। अब हम आते हैं दूसरे टू नाइट अपडेट पे, जो कि बेसिकली है इवो एक्सेस इवेंट, और कल आपको ये भी देखने को मिलेंगे 6 तारीख को। एंड हाँ, ये जो इवो एक्सेस इवेंट आने वाले है ये 5 जुलाई तक चलता रहेगा, मतलब ये पूरा एक महीने के लिए दिया जाएगा, तकरीबन 29 डेज 29 दिन के लिए। तो भाई कल आपको इवो एक्सेस इवेंट भी अपने गेम के अंदर देखने को मिलेंगे, अगर कोई भी इवो एक्सेस को बाय करना चाहे तो कल ई बैच को यानी आप लोग बाय कर सकते हो। एक्स्ट्रा चैट फ्रेम देखने को मिलेंगे, मैसेज फ्रेम, पेट स्किल, कैरेक्टर स्किल, मतलब फ्री पेट, फ्री कैरेक्टर, ये सब कुछ आपको देखने को मिलेंगे। आईडी पर ई बैच लगा दिया जाएगा बिल्कुल फ्री में, आप लोग को इवो गन स्किन लेवल 4 में अपग्रेड करके दे दिया जाएगा। फ्री का तो नहीं होगा, पैसे वाला होगा। अब करना इसका प्राइस तय करेगा कितना पैसा आपको देना पड़ेगा ई बैच को बाय करने के लिए। तो कल इवेंट आ रहा है, कोशिश करूंगा कल सुबह मुझे इसके ऊपर एक वीडियो डालने का, मतलब कल सुबह जैसे ई बैच का इवेंट आ जाएगा इसके ऊपर हम एक वीडियो अपलोड करेंगे, करके आपको बता देंगे कि आपके लिए बेनिफिट्स वाली बात है या फिर नहीं है, कि आपको इवो एक्सेस बाय करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। कल मैं इसके ऊपर वीडियो वगैरह बना के आपको बता दूंगा, तो टेंशन मत कीजिएगा, कल सुबह मेरा वीडियो आएगा। मेरे वीडियो को देखने के बाद ही ई बैच वाले ऑप्शन पर मतलब पैसे खर्च कीजिएगा, ठीक है। उसके पहले ई बैच को बाय मत करना, मतलब इवो एक्सेस को बाय मत करना मेरे वीडियो आने से पहले, सुबह ही वीडियो में डाल दूंगा कल सुबह ही। फिलहाल गाइस इसके साथ में अब हम जरा आगे बढ़ते हैं वीडियो में, बात करते हैं नेक्स्ट मैजिक क्यूब स्टोर अपडेट के बारे में, कौन कौन से बंडल को आपको नेक्स्ट में मैजिक क्यूब स्टोर के अंदर करने वाले अपडेट के रूप में दे सकते हैं। कुछ बंडल्स का रिव्यू हम आपको यहाँ पर करा दे रहे हैं, यहाँ पर कुल मिलाकर आपको हम 6 बंडल का रिव्यू करने वाले हैं। 4 इनक्यूबेटर का बंडल यहाँ पर दिया गया है, 2 आपको जोकर बंडल यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अब देखो नेक्स्ट मैजिक क्यूब स्टोर अपडेट के रूप में आप लोगों को इनमें से 2 बंडल देखने को मिलेंगे, हो सकते हैं कि आप लोगों को जोकर वाला बंडल देखने को मिल जाए और जो 4 इनक्यूबेटर का बंडल दिखाया हूं इनमें से 2 इनक्यूबेटर का बंडल आपको देखने को मिलेंगे, मतलब 2 जोकर बंडल रहेगा, मेल और फीमेल जोकर वाला बंडल। एंड उसके अलावा गाइस आपको यहां पर 2 इनक्यूबेटर का भी बंडल देखने को मिलेंगे। यहां पर हम 4 बंडल का रिव्यू कर रहे हैं, करने वाले इनमें से 2 बंडल आपको देंगे, क्योंकि इस बार जो मैजिक क्यूब के अंदर करने वालों ने अपडेट दिया है उसके अंदर आपको इनक्यूबेटर का सिर्फ 2 बंडल देखने को मिला है, इसलिए बहुत जल्द आपको मैजिक क्यूब के अंदर अपडेट देखने को मिलेंगे और कुछ ओल्ड इनक्यूबेटर के बंडल को दोबारा ऐड किया जाएगा। अब इसका चांसेस 2 है, पहली बात की OB45 अपडेट के बाद आपको मैजिक क्यूब के अंदर अपडेट देखने को मिल सकता है 26 जून तक, 27 जून तक, और अगर इस टाइम पे नहीं आता है फिर आप लोग को जुलाई महीने के बीच में मैजिक क्यूब के अंदर अपडेट देखने को मिलेंगे फ्री फायर गेम में आने वाले 7th एनिवर्सरी स्पेशल। और एनिवर्सरी स्पेशल जब अपडेट आएगा तो आपको बहुत सारे ओल्ड बहुत रेयर बंडल मैजिक क्यूब के अंदर देखने को मिलेंगे, मैजिक क्यूब को जमा कर रखो मैं आपको यही बोलूंगा। अगर OB45 अपडेट के बाद मैजिक क्यूब के अंदर करने वाले अपडेट देते भी है, मतलब मान लो 25-26 तारीख तक अपडेट आ गया मैजिक क्यूब के अंदर, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, 25 तारीख को भी अपडेट आएगा एनिवर्सरी स्पेशल आपको अपडेट फ्री भी देखने को मिलेंगे, मतलब 2 बार मैजिक क्यूब के अंदर आपको अपडेट देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो खैर गाइस इसके साथ मेरा वीडियो आज कहीं तक था, बढ़िया लगा तो लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आया तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूं हर दिन की तरह कल शाम को एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय।